हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये सुंदर सा मेकअप लुक, जो कि बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स से यूज करने वाले हैं हम। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर लिया है, तो इसको हम लेके पूरे फेस पे पहले अच्छे से लगाएंगे। इसको लगाने से फेस पे अच्छा सा ग्लो आता है और एक नेचुरल बेस मिल जाता है। आज हम मेकअप में कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इससे पहले बेस करेंगे, उसके बाद हम कंसीलर से डार्क स्पॉट्स को कवर करेंगे। तो ये मैंने अच्छे से लगा रहे हैं पूरे फेस पे, पहले डॉट डॉट करके उसके बाद इसे अच्छे से पूरे फेस पे लगाएंगे। तो इससे हल्की सी कवरेज भी मिलेगी हमें और थोड़ी सी शाइन भी मिलेगी फेस पे। तो अब नेक्स्ट मैंने लिया है लैक्मे का कंसीलर, तो इसे हम पहले ब्रश से अच्छे से लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं अंडर आई पे लगाएंगे, अपर आईलिड पे लगाएंगे। तो मैंने स्पॉन्ज को वेट कर लिया है और उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो इसे जल्दी जल्दी ब्लेंड करना है हमें, नहीं तो ये सूख जाता है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, सूखने पे ये हल्का सा टाइट हो जाता है तो फिर ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इसे हम ऐसे फटाफट से ब्लेंड कर लेंगे। और सेम स्पॉन्ज को हम पूरे फेस पे अच्छे से फेर लेंगे, ताकि हमें कोई भी फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके बाद हम फेस को सेट करेंगे। तो फेस को सेट करने के लिए मैंने लैक्मे का एक कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, तो पहले हम अंडर आई पे अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद पूरे फेस को हम सेट करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे हम आईब्रो। तो आईब्रो के लिए मैंने आई शेडो पैलेट में से डार्क वाला कलर लेके उसी से हम आईब्रो फिल करेंगे पहले, और अच्छे से इनको शेप देके आईब्रो कर लेंगे हम। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने एक पीची सा कलर लिया है, पीची ब्राउन सा कलर ट्रांजिशन शेड के लिए। तो पहले इसे लगा के हम पूरी आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो साड़ी पहनी है ब्लू कलर की, मैंने वो कलर पिकअप किया है और हम उसको क्रीज लाइन के नीचे नीचे पूरी आईलिड पे ब्लेंड कर लेंगे। अब मैंने एक फ्लफी ब्रश लेके दोनों कलर को अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे, ताकि कुछ भी अलग अलग सा ना लगे, तो अच्छे से दोनों को ब्लेंड कर दें। इसके बाद मैंने ब्लैक शिमरी शेड लिया है, इसको हम लेके सेंटर आईलिड पे प्लेस करेंगे। बहुत हल्का सा शिमर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम फिंगर की हेल्प से ही लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे लाइनर। तो लाइनर के लिए मैंने लोटस का लिक्विड लाइनर लिया है, तो यहाँ पे हम विंग लाइनर क्रिएट करेंगे। तो साइड में हम पहले मोटा सा एक विंग बनाएंगे और अंदर बहुत ही पतला पतला सा लगाएंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे काजल। तो काजल के मैंने लैक्मे का काजल लिया है, तो इसे हम अच्छे से लोअर वाटर लाइन पे पूरे में लगाएंगे। उसके बाद सेम ब्लू कलर को लेके काजल को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हम लगाएंगे मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैंने लैक्मे का मस्कारा लिया है, तो पहले हम अपर लैश लाइन पे लगाएंगे, उसके बाद लोअर लैश लाइन पे, दोनों में अच्छे से लगाएंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे ब्लश दोनों चीक्स पे और थोड़ा सा नोज पे लगाएंगे। इसके बाद हम हाइलाइटर भी लगाएंगे फेस के सारे हाई पॉइंट्स पे। तो वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई है, तो आप लगा लेना अपना। और फिर मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी की लिपस्टिक लगाई है, ये है डार्क मरून कलर में लिपस्टिक है, तो इसे हम लगाएंगे।
इसके बाद हम लास्ट में मेकअप को सेट करेंगे। तो मैंने ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है, तो इसे हम पहले स्पॉन्ज में अच्छे से स्प्रे करेंगे, उसके बाद हम पूरे फेस पे अच्छे से डैप डैप करके मेकअप को सेट करेंगे, जिससे हमारा मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा और ग्लोई ग्लोई लगेगा। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।